मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं और उसमें मुझे वो लोग सिर्फ एक ही चीज़ पूछते हैं कि सर हमारे चैनल पे व्यूज़ नहीं आते हैं, हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी जो अब तक की यूट्यूब जर्नी है उससे मुझे इतना ही पता चला है कि यूट्यूब के अंदर दो फैक्टर काम करते हैं और आज हम इस वीडियो में आपको वही दो फैक्टर के ऊपर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है दिवेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक दिवेश। इस दो फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर है कि आपने कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं। टॉपिक इन द सेंस आपने बहुत से यूट्यूबर्स के वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें आपको बोला गया होगा कि आपको जो पसंद हो उसी टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपको जो पसंद है वो सामने वाले को भी पसंद हो, ये एक सोचने वाली बात है। नो डाउट अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो उसके रिलेटेड आप वीडियो बनाएं, लेकिन उस स्किल के रिलेटेड आप और वीडियो देखें और उसके हिसाब से उस आपका जो स्किल है उसके अंदर थोड़ा एडवांटेज लाए और उसके बाद उस वीडियो को आप पब्लिश करें। और हर एक वीडियो, जब ऐसा नहीं है कि आपका वीडियो कब वायरल होता है, आपके वीडियो पे कब सब्सक्राइबर आते हैं, जब आपके वीडियो का एंगेजमेंट रेशियो, जब कोई भी व्यूअर्स आता है और वो आपके वीडियो पे कम से कम 2 या 3 मिनट तक रुकता है, तब वो आपके चैनल को अच्छा ग्रो करके देता है। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट आया, 5, 10, 15 सेकंड रहेगा और फिर चला जाएगा। उससे ऊपर से आपकी चैनल ग्रो नहीं करेगी, ऊपर से डाउन होगी। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपके कंटेंट पे ध्यान देना है। आप जो भी कंटेंट डालते हैं उसके अंदर आपको हर रोज नए नए एडवांटेज लाने हैं, नया नया काम करता है। अगर आप कॉमेडी है, कॉमेडी का चैनल बनाया है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ नया काम करना है। अगर आपने कुकिंग चैनल है उसके अंदर कुछ नया करना है। जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा उतनी अच्छी आपकी वीडियो चलेगी, क्योंकि कोई बंदा आपके चैनल पे आता है और अगर उसको आपकी वीडियो में कुछ जानकारी नहीं है, आपकी वीडियो पे वो रुकना ही पसंद नहीं करेगा, तो आपकी वीडियो चलने वाली नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ है आपका कंटेंट। हो सके उतना कंटेंट आप अच्छा करिए। दूसरी बात जो मुझे स्पेशली पसंद है, हो सके तो आपका फेस लोगों के सामने रखें, क्योंकि ये एक ह्यूमन बीइंग है। जब कोई व्यक्ति फेस टू फेस आपसे बात करता है तो सामने वाला उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है, उसके ऊपर ज़्यादा उसको विश्वास आता है कि नहीं, ये बंदा जो बोल रहा है वो सच है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने वीडियो में अपना फेस दिखा के आप सामने वाले बंदे से बात करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और आपके चैनल को ग्रो होने में वो बहुत मदद रूप कर सकता है। मैंने ऐसे 2-3 यूट्यूबर्स हैं जिनसे बात की थी और उनको ये इम्प्लीमेंट करने को बोला था और इस चीज़ का उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आप भी ये चीज़ फॉलो करते हैं तो आपके चैनल के लिए, आपके चैनल के ग्रो के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक है ट्रेंडिंग। समझिए, कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके ऊपर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वो आपका वीडियो 100% व्यू लेकर ही आएगा। अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि पेटीएम ऐप को बैन कर दिया था गूगल ने। उसके ऊपर जैसे ही वो न्यूज़ आई उसके तुरंत बाद ही बहुत से यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर वीडियोस बनाई थी। बड़े जो यूट्यूबर होते हैं नो डाउट उनके फॉलोअर्स ज़्यादा है तो उनके व्यूज़ डेफिनेटली मिलियंस ऑफ व्यूज़ आने ही वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका वो ट्रेंडिंग टॉपिक है तो वो भी उस सर्च बार में आएगा और उसके ऊपर भी उस टॉपिक पे, पर्टिकुलरली उस टॉपिक पे आपका व्यूज़ 100% आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और ये थे मेरे कुछ सजेशंस। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में
कहिएगा, अगर आपको नहीं अच्छे लगे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कहिएगा, और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।